और आप सबके तो हजारों माइक पड़े ही हैं कि कभी हमें अपना कागज रखने तक की जगह नहीं छोड़ते हैं। हाँ 100% आप ही दोषी हैं, बस ये भी सही है। ठीक है, पिछले कुछ दिनों से कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स जो दिल्ली में आए हैं उन पर बहुत राजनीति चल रही है। उन पर राजनीति चल रही है कि भाजपा वाले कह रहे हैं और अपने फेक रिप्रेजेंटेटिव्स भी टीवी पर बिठा रहे हैं क्लेम करते हुए कि वो कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स हैं, ये कहते हुए कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने कश्मीरी टीचर्स के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन आज हम भाजपा की सच्चाई का पर्दाफाश करने आए हैं कि किस तरह से भाजपा के नॉमिनी अनिल बैजल जी, जो दिल्ली के एलजी हैं, जिनके हाथ में टीचर्स की रिक्रूटमेंट, टीचर्स की प्रमोशन, टीचर्स की रेगुलराइजेशन, जो सारे सर्विसेज मैटर हैं, उन्होंने किस तरह ना सिर्फ कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स का साथ नहीं दिया बल्कि खुल के उनके रेगुलराइजेशन का विरोध किया। और आज ये सारे कागज मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। देखिए, जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो जो कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पास आए, वो दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी के पास आए, और बार बार दिल्ली सरकार ने, दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने इस पर निर्णय लिए कि कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स को रेगुलराइज करना चाहिए। लेकिन जब दिल्ली सरकार ये निर्णय लेती है कि टीचर्स को रेगुलराइज करना चाहिए और दिल्ली सरकार हाईकोर्ट में बताती है कि दिल्ली की कैबिनेट ने कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स को रेगुलराइज करने का फैसला लिया है, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एलजी साहब एक नोट लिखते हैं फाइल में कि ये सर्विसेज मैटर है और इसको सर्विसेज मैटर के तहत ट्रीट किया जाए, इस पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार का कोई भी अधिकार नहीं है। बहुत स्पष्ट तौर से आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, कैबिनेट में डिसीजन लेती है, कोर्ट में बताती है हाई कोर्ट में कि हमने इनको रेगुलराइज करने का डिसीजन ले लिया है, तो एलजी साहब उस कैबिनेट के डिसीजन के बाद कहते हैं कि इस पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार और अरविंद केजरीवाल जी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, जो भी निर्णय होगा एलजी ऑफिस द्वारा होगा। उसके बाद एलजी साहब एक नोट लिख के भेजते हैं और ये सारी प्रतियां हम आपको उपलब्ध कराएंगे, जिसमें एलजी साहब, और यहां पे आप देख लीजिए कि इस नोट में अनिल बैजल जी का साइन भी है, तो ये एलजी साहब के किसी अफसर ने नहीं लिखा है, एलजी साहब ने खुद लिखा है और खुद साइन किया है, जो केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं। और उस नोट में मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ और मैं इसमें से जो हाईलाइट किया है उसको रीड कर रही हूँ। द मैटर वॉज डिस्कस्ड विद ऑफिसर्स इन द MHA, यानी एलजी साहब ने ये खुद नहीं सिर्फ निर्णय लिया, उन्होंने केंद्र सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से चर्चा की। द मैटर वॉज डिस्कस्ड विद ऑफिसर्स कंसर्न इन द MHA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हु डील विद रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन इशूज ऑफ JNK माइग्रेंट्स। इट वॉज इन्फॉर्म्ड दैट देर इज नो स्पेशल डिस्पेंसेशन फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स। सिंस देर इज नो स्पेशल डिस्पेंसेशन फॉर रेगुलराइजेशन इवन विद यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट मे नॉट बी अप्रोप्रिएट टू रेगुलराइज कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स। ये एलजी साहब ने खुद लिखा है। जब हाईकोर्ट की डबल बेंच ये फिर से निर्णय दे देती है कि आपको रेगुलराइज करना है, तो फिर एलजी साहब को ये फाइल भेजी जाती है कि हम सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल करेंगे डबल बेंच के निर्णय को चैलेंज करने के लिए। और जब SLP फाइल होती है तो कौन प्रस्तुत होता है दिल्ली सरकार और एलजी साहब की तरफ से? पिंकी आनंद जी। पिंकी आनंद जी जो भाजपा की लीगल सेल की अध्यक्ष हैं, जो भाजपा की प्रवक्ता हैं, जो भाजपा का पक्ष रखने के लिए अक्सर TV चैनल्स पर आती हैं।
तो आज ये सारे कागजात देख के एक चीज स्पष्ट हो जाती है, कल तक हम ये कह रहे थे कि भाजपा ने, केंद्र सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन आज हम उस स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं। आज हम ये कह रहे हैं कि पिछले 8 साल में, जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भाजपा ने कश्मीरी पंडितों की रिहैबिलिटेशन का विरोध किया है, उसके खिलाफ काम किया है, उनकी नौकरियां पक्की होने में हर अड़चन डाली है। भाजपा ने पिछले 8 साल में कोई कसर नहीं छोड़ी कि जो एक छोटी सी चीज थी कि जो ये सिर्फ 233 कश्मीरी माइग्रेंट टीचर थे, जो उनको पक्का करने की अपॉर्चुनिटी थी, जो इतना दुख दर्द देख के दिल्ली आए थे, उनकी रेगुलराइजेशन का बीजेपी ने विरोध किया। तो ऐसा अब नहीं है कि बीजेपी ने भाजपा शासित अपने एलजी साहब से, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। भाजपा ने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास का, उनके पक्के होने का, उनकी जिंदगियां नॉर्मलाइज करने का विरोध किया। सौरभ जी, हेलो। ये मसला परसों से शुरू हुआ है और आपको, बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि कश्मीरी माइग्रेंट्स की ये जो प्रॉब्लम थी, इसको दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने सुलझाया था और इसको रेगुलराइज किया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इसका कोई ढिंढोरा नहीं पीटा, मनीष सिसोदिया जी ने कोई ढिंढोरा नहीं पीटा कि हमने कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए ये किया। एक साधारण सी बात थी, हमने की, हमारा काम था। ये मामला क्यों आया? ये मामला तब आया जब कश्मीरी माइग्रेंट्स की चर्चा करते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हमने 25 साल से भटकते हुए, दर दर की ठोकर खाते हुए कश्मीरी माइग्रेंट्स की समस्या का सलूशन हमने किया। और इसके अवज में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? उनका आरोप क्या है? उनके दो आरोप हैं। उनका पहला आरोप यह है कि उन्होंने एक झूठी, फेक प्रेस रिलीज तैयार की, फैब्रिकेट की, जिसको करने में मास्टर है, जो एक दिलीप भान नाम के एक आदमी के नाम से प्रेस रिलीज हो गई। गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन, जिसको इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनका आईटी सेल और इनके लोगों ने प्रचारित करना शुरू किया कि साहब, गवर्नमेंट टीचर एसोसिएशन जो है कश्मीरियों की, वो कह रही है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने हमारा कुछ नहीं किया, ये तो कोर्ट ने किया। यही हुआ। आज हम आपके सामने गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन असली का प्रेस रिलीज रख रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो प्रेस रिलीज कर भारतीय जनता पार्टी वाले घुमा रहे हैं, जिस पे कई टीवी चैनलों ने बहस चला दी, वो नकली है। जिस आदमी ने वो प्रेस रिलीज दी, वो नकली है। वो पूरा का पूरा लेटर हेड नकली है, सब कुछ नकली है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, भाजपा का दूसरा आरोप क्या है, जो इनके तेजस्वी सूर्या ने लिखा और कई लोगों ने इनके लिखा कि साहब, उन्हें आसानी से नहीं मिली, नीचे से लेकर ऊपर तक कोर्ट में जाके उन्हें हक मिला है। बहुत सही बात है, सच्चाई है। तो नीचे से ऊपर तक कोर्ट में जाना क्यों पड़ा, इसके बारे में चर्चा नहीं हुई। हाई कोर्ट में क्यों जाना पड़ा, डिवीजन बेंच में क्यों जाना पड़ा, और फिर सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाना पड़ा? इसलिए जाना पड़ा कि अरविंद केजरीवाल की चुनी हुई सरकार ने 2017 में हाई कोर्ट के अंदर यह अंडरटेकिंग दे दी कि हम कश्मीरी पंडितों को दोबारा से यहां पे रेगुलराइज करने के लिए पॉलिसी ला रहे हैं। यह बाकायदा हाईकोर्ट के ऑर्डर्स के अंदर है। हमारे वकील संजय घोष ने यह अंडरटेकिंग दी, हमारे दूसरे वकील संतोष त्रिपाठी जी ने अंडरटेकिंग दी, और फिर एलजी हाउस में खलबली मची। उन्होंने हमारे वकीलों को हटा के अपने वकील लगाए। उन्होंने ये नोट लिखा कि ये मामला सर्विसेज का है, लिहाजा अब एलजी ऑफिस को देखेगा। मनीष सिसोदिया जी ने बाकायदा चिट्ठी लिख के कहा है कि इसके अंदर कोई कोर्ट कचहरी नहीं करनी चाहिए, सरकार ने एक पॉलिसी डिसीजन ले लिया, आप इनको नौकरी दे दो। उसके बावजूद भाजपा के एलजी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी
अपनी पिंकी आनंद पेश हुई और कश्मीरी पंडितों के, कश्मीरी माइग्रेंट्स के हक के खिलाफ ये लोग खड़े हुए। तो ये भाजपा का असली और सच्चा चेहरा है। ये लोग इतने झूठे, इतने नलायक, इतने मक्कार तरीके के लोग हैं, इस कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं कि कोई भी आदमी इनको देख के हैरान हो जाए कि यार कहीं सच ही तो नहीं बोल रहे। मगर फाइलें जो हैं, फाइलों के अंदर जो है, खुशी की बात है कि आज भी देश जो है फाइलों से चल रहा है, व्हाट्सएप से नहीं चल रहा। तो ये फाइलों में दर्ज है कि इनके क्या कुकर्म थे, इन्होंने क्या क्या कश्मीरी माइग्रेंट्स के बारे में लिखा। यहां तक कि एलजी ने यह लिखा कि ऐसा कोई प्रावधान जब केंद्र सरकार में नहीं है कश्मीरियों के लिए, साफ शब्द है कि कश्मीरी लोगों के लिए ऐसा कोई स्पेशल प्रावधान जब केंद्र सरकार में नहीं है तो दिल्ली सरकार में कैसा हो सकता है, लिहाजा इसके खिलाफ हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खाई, और मुंह की खाने के बाद जो है दिल्ली सरकार ने इनको, इनके लाखों रुपए जो एरियर्स थे और जो इनके पैसे बनते हैं रेगुलराइजेशन के, बैक डेट में दिए। और दूसरी एक और चीज मैं आपको हैरानी की बता देता हूं, इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आने के बावजूद कश्मीरी पंडितों की कसम खाने वाले, देश की राष्ट्रभक्ति की कसम खाने वाले भाजपाइयों द्वारा चलाई गई एमसीडी, ये जो ऑर्डर था ये दिल्ली सरकार के टीचर्स के बारे में भी था और एमसीडी के टीचर्स के बारे में भी था। आप पता कर लीजिए, एमसीडी के कश्मीरी माइग्रेंट्स के पास जाके माइक लगा दीजिए, एमसीडी के कमिश्नर से पूछ लीजिए, आज तक की तारीख में एमसीडी के कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स को एरियर नहीं दिए गए हैं, सिर्फ दिल्ली सरकार ने दिए हैं। यह है इन भाजपाइयों का सच्चा चेहरा, यह है इनके झूठ का नकाब जब उतरेगा तो यह है इनकी सच्चाई। इन्होंने कुछ नहीं किया कश्मीरी पंडितों के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए क्या, इन्होंने पंडितों के लिए कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनके खिलाफ साजिशें की हैं, यूपी में उनके एनकाउंटर कराए हैं, जहां इनको पता चल जाता है कि ये ब्राह्मण है उसके एनकाउंटर कराने के लिए पूरी की पूरी सरकार जो है उनके पीछे पड़ जाती है। ये इनका असली चेहरा है। बहुत बहुत धन्यवाद। 233 कोई आपका सवाल है, आप लोग उनको ही एक बार पेश करवा दें तो ज्यादा अच्छा है ना। उनकी बाइट जो है आज हुई है, नहीं आपके जैसे साथ पे बात हुई है, ये बार बार चिल्ला चिल्ला के टीवी पे बोल रहे हैं इस चीज को। आप चिल्ला तो वो रहेंगे, अभी आगे कई सालों तक चिल्लाते रहेंगे, उसको आप नहीं रोक सकते। जो माइग्रेंट टीचर एसोसिएशन है, गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन, उनका ये लेटर हेड है, उस पर उन्होंने दिया है। और उन लोगों ने आज ANI को बाइट भी दी है कि जो लेटर हेड कल घूम रहा था वो फेक है, फैब्रिकेटेड है, और ये असली उनका लेटर है जिसमें उन्होंने दिल्ली सरकार को और अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद दिया है कि कैबिनेट नोट लाने की वजह से उनकी मदद हो पाई है और वो रेगुलराइज हो पाए। हम तो नहीं जानते, उन्होंने ये भी लिखा कि हम खुद ही नहीं जानते आदमी कौन है और ना ही इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है वो। इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में स्पष्ट तौर पर लिखा है, वी कंडेम द फेक अनसाइंड प्रेस रिलीज विच इज सर्क्यूलेटिंग इन द नेम ऑफ आर एसोसिएशन गिवन इन द नेम ऑफ सम मिस्टर दिलीप भान हु इज नॉट नोन टू अस एंड हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ आर एसोसिएशन। तो ये स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं, ये साइंड प्रेस रिलीज है इनके ऑफिस बेयरर्स और मेंबर्स द्वारा, कि ऐसा कोई भी व्यक्ति दिलीप भान के नाम का हमारी एसोसिएशन का मेंबर नहीं है। देखिए, ये भाजपा की क्लासिक राजनीति है, वो किसी झूठ को भी सच का खाका पहना देते हैं। किसी भाजपा के कार्यकर्ता ने एक प्रेस रिलीज बना के मीडिया में डाल दी, उनके सारे व्हाट्सएप नेटवर्क ने चला दी, मीडिया हाउसेस ने उठा ली। ये तथाकथित मिस्टर दिलीप भान जी, जिनका किसी ने चेहरा नहीं देखा है, टीवी डिबेट्स पे फोन पर आ गए ये कहते हुए कि दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया है। लेकिन आज जो असली कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, पहले दिन से कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स के साथ खड़ी है और हम अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद कहना चाहते हैं। दिल्ली भाई टीचर भी नहीं है। हमें नहीं पता कौन, मतलब Saurabh, they are saying that perhaps the association, I'm just asking the question from their point of view, that this particular association you are mentioning about, no, it has madam, some pressure from the government. मैं आपको बताता हूँ,
आप ये हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स देखिएगा, इसके अंदर इस एसोसिएशन को जो वकील साहब रिप्रेजेंट करते हैं वो एक बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, डेजिग्नेटेड सीनियर हैं, एडवोकेट राकेश टिक्कू, और दिल्ली बार के चेयरमैन रहे हैं। आज उन्होंने भी कई मीडिया हाउसेस को बाइट देके बताया है कि क्या सिलसिलेवार हुआ है इस मामले के अंदर, ठीक है। तो एसोसिएशन भी बोल रही है, उनके वकील जो पेश होते हैं वो भी बोल रहे हैं, सरकार बोल रही है, और उनकी तरफ से कौन बोल रहा है? एक फैब्रिकेटेड लेटर। वो कौन आदमी है वो किसी को नहीं मालूम। तो आप ये समझिए, ये तरीका है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली के अंदर जो ऑक्सीजन की डिमांड थी उसके खिलाफ भी एक, आपको याद होगा, एक अनसाइंड रिपोर्ट चला दी थी और कई दिनों तक चली थी। और दूसरी, आप ये कोर्ट के सारे ऑर्डर्स देख सकते हैं, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो कोर्ट के केसेस ने मेंशनड है। तो जब ये ऑर्गेनाइजेशन खुद ये कह रही है कि दिलीप भान नामक हमारा कोई सदस्य ही नहीं है और हमें अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने हमेशा सहयोग किया, तो ये साफ समझ में आ रहा है कि बीजेपी के प्रवक्ता बनकर किसी फेक कश्मीरी माइग्रेंट टीचर को प्रस्तुत किया गया मीडिया के सामने। आप देखो, क्या यहाँ दिल्ली पुलिस से आप क्या उम्मीद करते हैं? वो क्या इन्वेस्टिगेशन करेगी और क्या करेगी? है कोई उम्मीद आपको? बताइए, आपको है तो बताइए। अरे जो कहता है कि गोली मारो सालों को, उसके लिए तो कुछ करते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे सारे मीडिया के सीनियर सदस्य बैठे हैं, मेरा मीडिया चैनल से भी ये आग्रह है कि आपके चैनल्स ने ये जो चिट्ठी चलाई, तो हमने क्या इन्वेस्टिगेशन किया, हमने क्या एग्जामिनेशन किया कि ये कौन व्यक्ति हैं, ये ऑथराइज व्यक्ति हैं कि नहीं हैं? ये मीडिया चैनल्स को भी सोचना चाहिए। मीडिया चैनल्स को सारा देश देख रहा है। आप पर एक बहुत जिम्मेदारी बनती है कि जो कागजात, जो सूचना आप अपने टीवी चैनल्स पर चलाएं, उसकी जांच और उसकी इन्वेस्टिगेशन करना तो आपकी जिम्मेदारी है। नहीं, सबने नहीं चलाया, किसी ने चलाया। जिसने चलाया उसको पता है, जिन्होंने चलाया वो पता ही है। थैंक यू।